सागर जिले के खुरई में बड़े वाहनों से डीजल चोरी होना आम बात सी हो गई है। एक बार फिर खुरई के रेंगवा बाईपास चौराहा के पास भूसी के टाल में ट्रक से करीब 120 लीटर डीजल चोरी हो गया है। दरअसल देर रात ट्रक चालक अपने ट्रकों को बाईपास पर स्थित ढाबों पर या सड़क पर खड़ा कर देते हैं, जो खाना या फिर आराम करते हैं, लेकिन उन्हें सुबह ट्रकों के टैंकों से डीजल गायब मिलता है। इस तरह के मामले अब आए दिन देखने को मिल रहे हैं। तीन दिन पहले ही रेंगवा बाईपास चौराहा के पास ट्रक से करीब 26,000 का डीजल चोरी हो गया था। इसके बाद फिर ऐसा ही मामला सामने आ गया, जहां रेंगवा बाईपास चौराहा के पास स्थित भूसे के टाल पर भूसा भरने आए ट्रक से तकरीबन 120 लीटर डीजल चोरी हुआ। बताया जा रहा है कि आनंद धाम के पास भी किसी ट्रक से डीजल चोरी हुआ है। ट्रक चालक अर्जुन सिंह के मुताबिक भूसा भरने के बाद उसे इंदौर जाना था, लेकिन डीजल टैंक खुला पड़ा था जिसमें से डीजल गायब था। पीड़ित ड्राइवर ने इस बात की शिकायत थाने में दर्ज कराई है। खड़ी करी गाड़ी, बाथरूम वगैरह करके हो गया वापस में, यहाँ देखा तो सुबह उठ के डीजल ही नहीं गाड़ी में, 120 लीटर के समथिंग डीजल था मेरी गाड़ी में। थाने में शिकायत करने जा रहे हैं। ये भूसा लोड करने के लिए आई थी, कहाँ से? यहाँ से खुरई से इंदौर के लिए। खुरई से मनोज बाधवानी, सागर टीवी न्यूज़।